और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त की जान लीजिए। क्या है? बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद पीएम ने ये फैसला लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2022 में एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है और नया दिशा निर्देश जारी हो चुका है सरकार की तरफ से। यदि आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हो या फिर दे चुके हो तो आप तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो मित्र के साथ में। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और देखिए हमारे छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। इसके साथ ही आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट में करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं। आप सभी को बता दें, देश में 2021 में कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई। खासतौर पर बात करें तो 10th और 12th के विद्यार्थियों सबसे ज्यादा पढ़ाई बाधित हुई। उसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के कई सारे सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड की परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। जी हाँ, यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं तो आप तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। तो सरकार ने कहा कि इस बार आपका पेपर बहुत ही सरल बनाया जाएगा और 40% आपके ओजीटी क्वेश्चन आने वाली, ये सरकार ने इस वक्त की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। इसके अलावा बात करें जो परीक्षा दे चुके हैं जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है, उनके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इस बार सभी छात्रों को पास किया जाएगा, किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, ये सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। और आप सभी का रिजल्ट 10 दिन के भीतर भीतर ही जारी कर दिया जाएगा, ये भी सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए शिक्षा ज्ञान के साथ।